दोस्तों, दुनिया में 3,000 से ज्यादा सांप की प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन उनमें से केवल 500 सांप ही जहरीले होते हैं। टॉप 10 हिंदी चैनल की आज की इस वीडियो में दुनिया के 10 सबसे जहरीले सांपों के बारे में जानेंगे, जिनके बारे में जानकर आपको अपने बेड से नीचे पैर रखने में भी डर लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, ईस्टर्न कॉपरहेड। कॉपरहेड सांप जहरीले मांसाहारी होते हैं जो 4 फीट तक लंबे हो सकते हैं। उनके सर तांबे के रंग के होते हैं, इसलिए उनका नाम कॉपर हेड पड़ा। वो सदर्न और ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में पाए जाते हैं। ये ब्राउन, कॉपर, ग्रे और पिंकिश ब्राउन रंग के होते हैं, जिसमें गहरे ब्राउन रंग की घंटे की आकार की धारियां होती हैं। ये सांप पिट वाइपर नामक सांपों के ग्रुप से कनेक्टेड है, जिनकी नाक और बिल्ली जैसी आंखों के बीच हीट सेंसिंग पिट होते हैं। ये एक स्पेशल ऑर्गन है जो उन्हें अपने शिकार के शरीर की गर्मी को देखने में काम आता है। कॉपरहेड सांप का जहर खतरनाक होने के साथ साथ बहुत काम का भी है। इनके जहर की कुछ क्वालिटीज ने ह्यूमंस में ओवेरियन के कैंसर से जुड़े कैंसर ट्यूमर का साइज छोटा करने में भी मदद की है। दोस्तों, एक साल में लगभग 3,000 लोगों को कॉपरहेड सांप काटते हैं। वैसे तो उनका जहर इतना खतरनाक नहीं होता, लेकिन अगर समय पर इलाज ना करवाया जाए तो जान भी जा सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मच्छर सांप की आंखों की पुतलियों पर काटते हैं, जिससे उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचती है। मच्छर लोगों की आंखों की पुतलियों पर भी काट सकते हैं। पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस में फीमेल कॉपरहेड्स बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स के बच्चे को जन्म दे सकती है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। ये आमतौर पर तब होता है जब एक महिला का कुछ समय से किसी पुरुष से सामना नहीं हुआ हो। जब कॉपरहेड को खतरा होता है तो ये कस्तूरी उत्सर्जन करता है, जिसकी गंध खीरे जैसी होती है। हालांकि ये मल के साथ भी मिश्रित होती है, इसलिए गंध समान नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी गंध खरबूजे जैसी होती है। नंबर 9, रैटल स्नेक। रैटल स्नेक अमेरिका के सबसे घातक विषैले सांपों में से एक है। इस प्रजाति के सांप को झुंझुने बजाने वाला सांप भी कहा जाता है, क्योंकि ये सांप अपनी पूंछ की गतिविधि के द्वारा झुंझुने जैसी आवाज निकालता है। रैटल स्नेक के त्रिकोणीय सर घातक नुकीले दांतों को छिपाते हैं। इसके चेहरे के दोनों तरफ आंखों से लेकर जबड़े तक 2 गहरी तिरछी रेखाएं होती हैं। पूंछ में झुंझुने के ठीक ऊपर काली और सफेद धारियां होती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, रैटल स्नेक के सर पर सींग भी पाए जाते हैं। ये रेगिस्तानों, घास के मैदानों, जंगलों, चट्टानी पहाड़ियों और तट के किनारे के क्षेत्रों में रहते हुए पाया जाता है। ये समुद्र तल से 6,500 फीट तक की ऊंचाई पर रहता है। ये सांप लगभग 15 से 20 वर्षों तक जीवित रहते हैं। रैटल स्नेक इंसानों को मरने के 1 घंटे बाद तक भी डस सकते हैं। उनके कई फिजिकल वर्क घातक रूप से घायल होने के बाद भी सक्रिय रहते हैं। और दोस्तों, अगर आपको रैटल स्नेक ने काट लिया है तो आपको ठीक होने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। एंटी वेनम की एक शीशी की कीमत लगभग 16 लाख रुपए की होती है, और इस गंभीर चोट से उबरने के लिए आपको कई शीशियों की आवश्यकता होगी। फ्लोरिडा में एक व्यक्ति को सीरियस काटने के लिए 70 से अधिक शीशियों की आवश्यकता के बाद 11 करोड़ 20 लाख रुपए अधिक का बिल भेजा गया था। रैटल स्नेक की प्रहार गति 2.95 मीटर प्रति सेकंड है। आपके हिलने से पहले ही वो आपको काट सकता है। नंबर 8, बूम स्लैंग। अफ्रीका के जंगलों में पेड़ों पर पाया जाने वाला बूम स्लैंग सांप, जिसका वैज्ञानिक नाम डिसोफिलिडस टाइफस है, बेहद खूबसूरत और आकर्षक हरे, पीले, भूरे और गुलाबी रंग की त्वचा वाला और बड़ी बड़ी आंखों वाला, दिखने में बेहद मासूम लेकिन बहुत जहरीला होता है। बूमस्लैंग सांप अपने जबड़े को 170 डिग्री तक खोल सकता है, जिसके चलते ये इंसानी शरीर के ज्यादा हिस्से पर वार कर सकता है। इस सांप के जबड़े में छिपी इसकी जहर की थैली बेहद खतरनाक होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस सांप के काटे हुए इंसान का मरना निश्चित होता है, यदि उसे समय पर बूमस्लैंग का एंटी वेनम डोज ना दिया जाए। इसका एक बूंद जहर ले सकता है 500 लोगों की जान। जी हाँ दोस्तों, बूम स्लैंग सांप का जहर हेमोटॉक्सिन कैटेगरी का होता है। हेमोटॉक्सिन का मतलब है कि इस सांप के जहर से व्यक्ति के शरीर में खून का थक्का बनने की प्रक्रिया बंद हो जाती है, और व्यक्ति के शरीर के अंदर और शरीर के बाहर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि व्यक्ति के शरीर के सभी खुले अंगों से खून की धार बहने लगती है, और आखिरकार व्यक्ति की दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। नंबर 7, फर द लांस। दोस्तों, इतने मुश्किल नाम वाले इस सांप का जहर इंसान के शरीर में घुसते ही शरीर को काला करना शुरू कर देता है। ये आमतौर पर पिट वाइपर होते हैं। सेंट्रल और साउथ अमेरिका में ये बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। इनकी लंबाई 3.9 से 8.2 फीट तक हो सकती है। इनका वजन ज्यादातर 6 किलोग्राम तक होता है।
सेंट्रल अमेरिका में सांपों के काटने के आधे मामले इनके ही होते हैं। इसके जहर में एंटीकोगुलेंट होता है जिससे खून जमता नहीं है। इसके काटने से हेमरेज होने की पूरी आशंका रहती है। मादा फेयर डी लांस एक बार में 90 बच्चों को जन्म दे सकती है। नंबर 6, किंग कोबरा। किंग कोबरा, जिसे भारत में नागराज के नाम से भी जाना जाता है, लंबाई के मामले में लगभग 6 मीटर बढ़ सकता है। कोबरा सांप के जहर की ताकत का अंदाजा आप मात्र इसी बात से लगा सकते हैं कि कोबरा सांप के डसने पर हाथी का भी बचना लगभग नामुमकिन होता है। ये सांप 20 लोगों को भी मौत के घाट उतार सकता है। किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो चूहे, खरगोश, मेंढक और अलग अलग अन्य प्रजाति के छोटे सांपों को भी अपना शिकार बना डालता है। एक स्वस्थ किंग कोबरा सांप लगभग 20 साल तक आसानी से जीवन जी सकता है। क्या आप जानते हैं कि किंग कोबरा सांप घोंसला बनाकर रहते हैं? वो मादा किंग कोबरा अपने अंडों को अन्य मांसाहारी जीवों से छुपाने के लिए भी इन्हीं घोंसले का इस्तेमाल करती है। किंग कोबरा शर्मीले सांप की श्रेणी में आने वाले जीव हैं। यही कारण है कि ये सांप इंसानों को बेहद कम दिखाई देते हैं। किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो काटने के बाद डिसीजन लेता है कि अपने शिकार के शरीर में जहर छोड़ा जाए या नहीं। यानी कि किंग कोबरा बिना जहर के भी काट सकता है। क्या आप जानते हैं कि किंग कोबरा स्नेक के जहर की मात्रा एक बूंद इंसानों की आंखों की रोशनी तक छीन सकती है? इसलिए इस जीव के बेहद पास कभी ना जाइए। कोबरा सांप अपना जहर लगभग 3 मीटर की दूरी तक आसानी से फेंकने की ताकत रखता है। यह अपने फन को जमीन से 1.5 मीटर की हाइट तक खड़ा कर सकता है, जिससे यह सांप दिखने में बेहद डरावना लगता है। और अगर कोई व्यक्ति इस सांप को मारते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 6 साल के लिए कैद भी हो सकती है। नंबर 5, सौ स्केल्ड वाइपर। देखने में तो सौ स्केल्ड वाइपर बेहद छोटा होता है, मगर उतना ही जहरीला भी। इसकी बड़ी बड़ी आंखें, गर्दन से चौड़ा सिर बाकी सांपों से अलग बनाते हैं। आमतौर पर रेतीले, चट्टानी और नर्म मिट्टी वाले इलाकों में पाए जाने वाला ये सांप 2.6 फीट से ज्यादा लंबा नहीं होता। ये भारत के 4 सबसे जहरीले सांपों में सबसे छोटा होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा इसी सांप के काटने से लोग मरते हैं। इसका एंटीवेनम उपलब्ध है, इसके बावजूद मृत्यु दर 20% है, यानी हर 5 में से एक शिकार की मौत हो जाती है। सौ स्केल्ड वाइपर को वैज्ञानिक भाषा में एकिस कैरिनेटस कहते हैं। ये रसेल वाइपर करायत और कोबरा को टक्कर देता है। ये सांप अपने मुंह से हिस्से की आवाज नहीं निकालते, बल्कि अपनी त्वचा पर बने स्केल्स को इतनी जोर से हिलाते हैं कि उससे घिर घिर की आवाज आती है। इसके डसने पर घाव वाला स्थान सूज जाता है और दर्द भयानक होता है। इसकी वजह से शरीर के अंदर ब्लीडिंग होने लगती है, किडनी फेल हो जाती है। और अगर इसके काटे इंसान को बचाना है तो 1-2 घंटे के अंदर एंटीवेनम देना होगा। इसके जहर को काटने के लिए 9 तरह के एंटीवेनम भारत में मौजूद है। नंबर 4, इंडियन क्रैट। क्रैट सांप गांव और जंगलों में खूब निकलता है। देश में इंसानों को सबसे ज्यादा यही सांप काटता है। इस सांप का काटा इंसान तो पानी भी नहीं मांगता। इसके जहर में ऐसे न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं कि शरीर काम करना बंद कर देता है। इसके काटने के 45 मिनट के अंदर ही इंसान की मौत हो जाती है। दिक्कत यह है कि उत्तर भारतीय करायत की जहर की कोई एंटीडोट नहीं है। ये सांप 6.5 फीट तक लंबे होते हैं। करायत सांप 10 से 17 साल की उम्र तक जिंदा रहते हैं। नंबर 3, द रसल्स वाइपर। भारत में इस सांप की वजह से हर साल करीब 58,000 लोगों की मौत होती है। रसल वाइपर का वैज्ञानिक नाम डेबोया रोसेली है। ये ट्रू वाइपर सांपों की सबसे खतरनाक प्रजाति है। श्रीलंका में यह चावल के खेतों में अक्सर किसानों को काट लेता है। इसके काटने से किडनी फेल हो जाती है, भयानक स्तर की ब्लीडिंग होती है, एक साथ कई अंग काम करना बंद कर देते हैं। यानी इसके काटने से बचने का चांस बिल्कुल कम होता है। इसके काटने पर आमतौर पर इंसान रीनल फेलियर की वजह से मरता है। नंबर 2, कोस्टल टाइपान को वैज्ञानिक भाषा में ऑक्सीयूरिनस स्केटलाइटस कहते हैं। ये इतनी तेजी से काट कर भागता है कि आप इसे देख भी नहीं सकते। अगर खतरा महसूस हुआ तो ये उछलकर अपने शिकार को पूरी अक्रीसी के साथ डसता है। इसका जहर हमेशा लोगों को नहीं मारता, लेकिन मात्रा ज्यादा हो और इलाज ना मिले तो इंसान मर सकता है। ये नमी वाले स्थानों पर ज्यादा रहता है। नंबर 1, ब्लैक मांबा। अफ्रीका का सबसे जानलेवा सांप है ब्लैक मांबा। इसके 2 बूंद जहर से इंसान की मौत तय है। अगर सही समय पर इलाज ना मिले तो इसका जहर शरीर में जाते ही नर्वस सिस्टम और मांसपेशियों के जोड़ को इनएक्टिव कर देता है, जिससे इंसान पैरालाइज हो जाता है। इसका जहर कार्डियोटॉक्सिक होता है, इससे दिल का दौरा पड़ता है। हालांकि 20 मिनट के अंदर इलाज मिल जाए तो भी इसका जहर खत्म नहीं होता और इंसान कुछ दिन में ही मर जाता है। ये सांप 8 फीट लंबा होता है। इसके मुंह के अंदर का रंग इंक जैसा होता है। ये 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।